गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना अगला पाठ पढ़ते हैं जो है पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हरिशंकर परिचय जी हैं। आइए इस कहानी के कुछ, वैसे तो इसमें कुछ ऐसे पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य पात्र मैंने यहाँ पर निकाले हैं। पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा लेखक स्वयं, क्योंकि पूरा जो आपकी ये व्यंग्यात्मक बात है ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म था 22 अगस्त 1922 को होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। उन्होंने वसीधा नामक पत्रिका का संपादन किया। हंसते हैं रोते हैं, नागफनी की कहानी और अंत में, इस तरह की उनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। और आपको उनकी एक खास बता दो, वह अपने व्यंग्यात्मक लेखों से समाज के बहुत ही गंभीर मुद्दों को बहुत अच्छे से उजागर करते थे। जैसा कि उनका एक पाठ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि उन्होंने प्रेमचंद जी के ऊपर लिखा है और दिखाया है कि किस तरह से आज का जो हमारा युग है वह केवल दिखावे का युग है, किस तरह से हम दिखावे की दुनिया को जी रहे हैं और प्रेमचंद उनसे बिल्कुल ही परे हैं। उस बात को बताने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हैं ताकि आपको यह और अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें से पहला मैंने लिखा है लेखक द्वारा प्रेमचंद का चित्र वर्णन, दूसरा लेखक की चिंता, तीसरा प्रेमचंद के बारे में फोटोग्राफर के विचार, चौथा लेखक का प्रेमचंद को परामर्श, पांचवा लेखक के फटे जूते का हाल, छठा प्रेमचंद के जूते के विषय में लेखक के विचार, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जूते के फटने का रहस्य, आठवां लेखक के अनुसार प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान। अब हम इस पूरे बिंदु के तहत एक एक करके पूरे पाठ को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इसमें कहा क्या गया है। तो जैसे मैंने बताया कि एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसमें आज की जो दिखावे की दुनिया है उसके ऊपर बताया गया है। तो हमारा जो पहला बिंदु है, लेखक द्वारा प्रेमचंद के चित्र का वर्णन। लेखक बताता है कि उनके सामने एक चित्र है जिसमें वह प्रेमचंद, वह यानी प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, उन्होंने धोती कुर्ता पहना है, उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, यानी वो काफी कमजोर हैं, घनी मूंछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा लगता है, पांवों में कैनवस के जूते हैं और उनके फीते भी ठीक से बंधे नहीं है। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, लेकिन जो बाएं पैर का जूता है उसमें बड़ा सा छेद रहता है, जिसके कारण पांव की उंगली बाहर दिखाई देती है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की जो नजर है वह उस पर टिक गई। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान उनकी इस पोशाक से देखकर लगाया जाता है। जैसे कि समझ में आ गया हो कि यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी का एक चित्र बताया है कि वह किस तरह से दिख रहे थे। आए तो वो फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने के लिए थे, लेकिन उनकी जो तस्वीर थी, जो जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे थे, उनके पैरों में जूते तो थे लेकिन उनमें से एक जूता फटा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक की चिंता, अब इसके बारे में जानते हैं। लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर चिंता में डूब जाता है कि अगर फोटो खिंचवाने के लिए यह पोशाक है, यानी यह वेशभूषा है, तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। इस बारे में लेखक को चिंता होने लगती है। किसके विषय में? प्रेमचंद जी के विषय में। फिर उन्हें विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाले मनुष्य नहीं है, यानी वो जैसे घर के अंदर रहते हैं वैसे ही बाहर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर में फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और बाहर आते हैं तो अच्छे से तैयार होकर के आते, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी दिखावे का जो जीवन है वह व्यतीत नहीं करते थे। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्य पुरखे हैं। साहित्यिक पुरखे हैं मतलब हमारे पुराने साहित्यकार हैं, लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है, यह कोई साधारण सी बात हो। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जूते फटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बिल्कुल साधारण सी बात है। लेकिन लेखक को तो चिंता हो रही थी कि हमारे इतने बड़े जो साहित्यकार हैं उनका जूता फटा हुआ है और वह फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचाने आए हैं। आगे देखिए, प्रेमचंद के बारे में फोटोग्राफर के विचार। प्रेमचंद के बारे में फोटोग्राफर के विचार।
जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज, फोटो खिंचाने से पहले कहा जाता है रेडी प्लीज, ताकि तैयार हो जाइए, तब उस परंपरा के अनुसार उन्हें चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करनी पड़ी होगी। देखिए, एक तो प्रेमचंद जी अंदर से बहुत दुखी थे कि इतने बड़े साहित्यकार होने के बावजूद उनकी जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय बनी हुई थी। उनके पास इस तरह की भी पोशाक नहीं थी कि वह कम से कम उसे पहन करके वो फोटो खिंचवा ले। लेकिन फिर भी वह अपनी इच्छाओं को अंदर से मारते हुए अब फोटो खिंचवाने के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर आते हैं। प्रेमचंद जी मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे थे, फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। वह भी सोचता होगा कि कैसा आदमी है जो फटा जूते पहनकर आया है फोटो खिंचवाने। ये किसके विचार थे? प्रेमचंद के बारे में ही फोटोग्राफर के विचार थे। अगला बिंदु है हमारा लेखक का प्रेमचंद को परामर्श। प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फोटो खिंचवाना इतना आवश्यक था तो ढंग के जूते पहन लेते या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। वे शायद पत्नी का आग्रह न टाल पाए होंगे, इसलिए वह फोटो खिंचवाने आ गए। लेखक को बड़ा बुरा लगता है कि कोई उनका उपहास कर रहा है इतने बड़े साहित्यकार का, तो वह उन्हें एक राय देते हैं कि या तो आपको फोटो खिंचवाने आना ही नहीं चाहिए था, या अगर आप आए ही थे तो अच्छी सी कोई पोशाक पहनकर आना चाहिए था। अब आगे देखिए, शायद तुम फोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते हो, वरना फोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से मांग भी लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर्क दिखाई तक कर देते हैं और मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। कई लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, जैसे उन्हें लगता है इस फोटो में शायद खुशबू आ जाएगी। इन सब बातों से लेखक व्यंग करता है कि आप एक अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे से कपड़े पहनकर नहीं आए, जबकि यहाँ लोग क्या करते हैं, दूसरों की चीजों को अपना करके, उसका प्रयोग करके अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। कुछ लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए इत्र अर्थात परफ्यूम तक लगा लेते हैं। परफ्यूम लगा के ऐसा लगता है जैसे फोटो से खुशबू आने लगेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सारे उदाहरण दे करके लेखक जो है वह प्रेमचंद जी के माध्यम से आज की जो दिखावे की दुनिया है उस पर उपहास करता है। लेखक कहता है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस जमाने में जूते कम से कम 5 रुपए के रहे होंगे। अगला है प्रेमचंद के फटे जूते का हाल। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उसे उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है, लेकिन फिर भी यह ऊपर से अच्छा दिखाई देता है। जो लेखक थे हरिशंकर परसाई जी, उनका भी जूता बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, लेकिन यह था कि पूरी तरह फटा हुआ नहीं था कि उनके पैरों की उंगलियां बाहर दिखाई दे रही हों। इसके अंगूठे के नीचे का भी तला फट गया है और अंगुली ढकी है। मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते। तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, पर मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। यहाँ पर लेखक अपने बारे में बताता है कि मैं भले दिखावे के लिए ही मेरे जूते का तलवा फटा हुआ है और मैं ऊपर से उसको ढक करके चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ कि फटे जूते पहनकर फोटो खिंचाने आ जाऊं। अब प्रेमचंद के जूते के विषय में लेखक के विचार। अगला पॉइंट है लेखक के फटे जूते का हाल। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उन पर तरस आया। लेखक ने कहा कि वैसे तो मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है, नीचे का तलवा फटा हुआ है, लेकिन ऊपर इतनी अच्छी स्थिति में है कि मेरी उंगलियां बाहर की ओर नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी मैंने किसी तरह उसको ढककर रखा हुआ है। ठीक है,
मैं पर्दे के महत्व को जानता हूँ। लेखक बताते हैं कि मैं पर्दे का जो महत्व होता है, मतलब पर्दे आप क्या है, आपने देखा होगा कि घर में गंदगी पड़ी रहती है, एक पर्दा लगा देते हैं सारी गंदगी छिप जाती है। तो ये क्या होता है, हम केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ, इसलिए अपने फटे मैं अपनी बदहाली को नहीं दिखाना चाहता। भले मेरा तलवार फटा हुआ है तो क्या हो, ऊपर से उंगलियां तो मेरी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि इंसान को तलवार थोड़ी दिखाई देता है, चलते वक्त क्या होता है, सामने की ओर ऊपर का पंजा दिखाई देता है। अगला हमारा है प्रेमचंद के जूते के विषय में लेखक के विचार। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया, शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते फट गया होगा, लेकिन चक्कर लगाने से जूता तो घिस जाता है, फटता नहीं है। कवि कुंभन दास जी का भी जो जूता था वो फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था और वे हरि नाम अलग से भूल गए थे। कहने का ये मतलब कि यहाँ पर लेखक को बड़ी दिलचस्पी थी कि ये जूता आखिर किस तरह से फटा होगा, क्या ये इन्होंने इतने अपने जीवन में कठिनाइयां झेली हैं, इतना परिश्रम किया है कि आज इनके इनका जो जूता है वो फटा हुआ है, या केवल दिखावे के चक्कर में फट गया है। अगला हेडिंग है लेखक के अनुसार प्रेमचंद के फटे जूते होने का जो रहस्य है। शायद तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। अब यहाँ पर लेखक देखिएगा बहुत बड़ी बात कहते हैं कि शायद तुम किसी सख्त चीज को यानी कड़ी चीज को ठोकर मारते हुए रहे होंगे जिससे तुमने अपना जूता फाड़ लिया है, या फिर तुम रास्ते में किसी टीले पर अपना जूता अजमाया होगा, यानी रास्ते चलते हुए कोई पत्थर देखा होगा और उस पर अपना पैर जिसको पैर से ठोकर मारने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जूता आगे की तरफ से फट गया, पर तुम उससे भी बचकर निकल सकते थे। यह तो समझौते की बात है, लेकिन तुम तो समझौता भी नहीं करते। जैसे गोदान की होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही भी प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। अब देखिए यहाँ जो ठोकर मारने की बात कही गई है उससे कहना क्या चाह रहे हैं, उससे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी ने समाज की उन बुराइयों को, उन बुराई रूपी ठोकरों को अपने पैर से ठोकर मारी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज समाज में उन्हें साहित्य में स्थान तो मिला लेकिन जीविका जीने के लिए धनोपार्जन वह नहीं कर पाए। कि इतना मतलब उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य के लिए बहुत से लेख तो लिखे, लेकिन उस सुधार से उनको जीवन जीने के लिए यानी जूते पहनने के लिए कह लीजिए उन्हें पैसे नहीं मिले। अब है अगला पॉइंट हमारा जो कि लास्ट है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य, यानी वो झूठी मुस्कान क्यों हंस रहे थे, इस बात का रहस्य। तो देखिए लेखक कहता है कि तुम्हारे पांव की उंगली ये संकेत करती सी लगती है कि तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि उंगली की सहारे से, यानी उंगली के सहारे से तुम सहायता करते हो, यानी इशारा उसका करते हो। तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी जो है वह भी किसी चीज का इशारा कर रही है। लगता है कि तुम हम पर ही हंस रहे हो क्योंकि हम उंगली छिपाए हैं और तलवार घिसाए हैं। यहाँ पर जो उनकी लेखक ने प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान है उसके बारे में बताते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि केवल प्रेमचंद का फटा जूता देख करके हरिशंकर परसाई जी जो कि हमारे लेखक है उन्हें ही उनकी सच्चाई का नहीं पता चला, प्रेमचंद जी भी जैसे छोटी मुस्कान दिखा करके हंस रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे जूते का जो तलवा है वो नहीं है, अर्थात तुम और हम एक जैसे ही हैं, यानी तुम भी लेखक हो और मैं भी लेखक हूँ। तुम्हारी स्थिति भी इतनी दयनीय है कि तुम जूते नहीं खरीद सकते और मेरी स्थिति भी इतनी दयनीय है कि मैं इतनी 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 बड़ी बड़ी बुराइयों पर इतने लेख लिख चुका हूँ लेकिन फिर भी आज मेरे पास जीविका जीने के लिए यानी अपना जीवन यापन करने के लिए धन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रेमचंद जैसे कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मारकर
प्रेमचंद जैसे कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया और मेरी उंगली बाहर निकल आई, पर पांव तो मैंने बचा लिया और चलता भी रहा, मगर तुम लोगों ने तो अपनी उंगली ढकने के लिए जूते के तले को ही नाश कर दिया और अब तुम लोग भी चल नहीं सकते। यानी कि कहने का ये मतलब कि प्रेमचंद जी ने इतनी मेहनत तो कम से कम की थी कि उनकी केवल उंगलियां दिखाई दे रही थी, तलवा उनका सही सलामत था, लेकिन जो लेखक थे जिनके की जूते का तलवा ही निकला हुआ था वह अपने तलवे को नहीं बचा पाए, जिसके कारण क्या हो उन्हें चलने में कठिनाई, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सके। कहने का मतलब कि प्रेमचंद जी ने तो एक इतिहास रच दिया साहित्य में अपनी रचनाएं करके, लेकिन बाकी अन्य लेखक अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो इस तरह से हमने देखा कि फटे जूते के माध्यम से और जो झूठी फोटो खिंचवाने के लिए जो झूठी मुस्कान थी उसके माध्यम से किस तरह से आज का जो दिखावेपन का जो जीवन है, जो बनावटी दुनिया है, उसके बारे में किस तरह से प्रहार किया गया है, किस तरह से हमें बताया गया है कि हमें सादगी भरा जीवन जीना चाहिए और किसी के सादगी भरे जीवन को अगर देखते हैं हम तो हमें उस पर उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसकी सच्चाई को समझना चाहिए कि ऐसा ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि वह आज इस स्थिति में आ गया है। तो आशा करती हूँ आप इसको घर पर और अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ये पाठ इन बिंदुओं के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।